तालिबान की बात इसलिए क्योंकि तालिबान मांगे तलवार, यानी कि आपने ये कहावत सुनी होगी, तलवार मांग रहा है क्योंकि वो खाली बैठा है, उसे जंग की आदत हो चुकी है, उसके मुंह को खून लग चुका है, खाली बैठने में उसे मजा नहीं आ रहा, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। और तालिबान की इस नियत से अगर कोई परेशान है तालिबान की बोरियत क्या बढ़ेगी, नया युद्ध छिड़ेगा, क्या तालिबान फिर से जंग लड़ेगा, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो युद्ध लेकर तालिबान का नाम। यह जंगी अंताक्षरी इन दिनों तालिबानी लड़ाकों की जुबान पर खूब छाई हुई है, क्योंकि उन्हें लड़ना है, जंग करनी है, मरना मारना है, किसे नहीं पता, बस युद्ध करना है, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे वो बोर हो चुके हैं, उनके हथियार धूल खा रहे हैं और हाथ ट्रिगर दबाने को बेताब है, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे वो बोर हो चुके हैं, उनके हथियार धूल खा रहे हैं और हाथ ट्रिगर दबाने को बेताब है। लेकिन पहले जान लीजिए कि तालिबान का जंगी प्रेम एक बार फिर क्यों जाग गया है, क्योंकि वो बैठे बैठे परेशान हो गए हैं। आप और हमें अगर फुर्सत मिले तो हम शांति चाहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के लड़ाके जंग चाहते हैं। 9 to 5 दफ्तर में काम कर कर के तालिबानी बोर होने लगे हैं। बंदूक, मोर्टार और बम चलाने वाले लड़ाकों को कागज कलम चलाने में अब बोरियत महसूस होने लगी है। और ये बात हम नहीं, 3 साल पहले अफगानी सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान ने खुद कही है। ब्रिटिश मीडिया से बात करते हुए एक खूंखार तालिबानी लड़ाका रह चुके और मौजूदा अफगान सरकार में प्रवक्ता मुल्ला जनान ने कहा है, 3 साल से दफ्तर में काम कर करके हम बोर होने लगे हैं। हम लोग जंग के लिए बने हैं, डेस्क पर काम करने के लिए नहीं। युद्ध का एक अलग रोमांच था, पर यहाँ यानी दफ्तर में काम करके कोई मजा नहीं आ रहा है। हमें दफ्तर में नहीं बैठना है, हम जंग लड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान के ही पंजशीर या फिर फिलिस्तीन में हमें लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। करीब 2 दशक के संघर्ष के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की वापसी हुई। ऐसे में जंग में महारत हासिल करने वाले लड़ाकों का दफ्तर की नौकरी में मन नहीं लग रहा है। लंबे संघर्ष के बाद मिली शांति उन्हें रास भी नहीं आ रही है। लेकिन तालिबान के इस बयान ने हिंदुस्तान में होश उड़ा दिए हैं। शासन की वापसी हुई, ऐसे में जंग में महारत हासिल करने वाले लड़ाकों का दफ्तर की नौकरी में मन नहीं लग रहा है। लंबे संघर्ष के बाद मिली शांति उन्हें रास भी नहीं आ रही है। लेकिन तालिबान के इस बयान ने हिंदुस्तान में होश उड़ा दिए हैं और युद्ध के लिए भरे बैठे तालिबानी लड़ाके कहीं हमला ना कर दे। सोशल मीडिया पर मुल्ला जनान के बयान पर कमेंट करते हुए लोग कह भी रहे हैं कि अगर बोर हो रहे हो तो हिंदुस्तान हमला कर दो, हिंदुस्तान पर कब्जा कर लो, खबरदार हिंदुस्तान कहीं तालिबानियों की बोरियत तुम पर भारी ना पड़ जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये लोग पहले तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को खतरा है अफगानिस्तान में हुकूमत आने से, अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत आई है उससे काफी खतरा हो गया है। लेकिन अब देखिए कि वो अफगानिस्तान के जो तालिबान थे वो काफी अब दफ्तरी काम से थक चुके हैं और दोस्तों वो लोग ही ऐसे हैं, उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि वो हर वक्त लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। और अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर दफ्तरी काम कर करके बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, हमें चाहिए लड़ना चाहिए, हम जाना चाहते हैं एक तो हिंदुस्तान और दूसरा अगर आप भेजना चाहें तो हमें फलस्तीन में भेज दें जहाँ पर जाकर हम दो दो हाथ करना चाहते हैं। दोस्तों ये बयान भी उनके एक बड़े लीडर ने दिया है कि हमारे लोग दफ्तरी कामों से काफी तंग आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जो गारों में रहते थे, जो दोस्तों सुरंगों में रहते थे, जिन्होंने नेटो और फिर अमेरिका को धूल चटाई थी। अब ये लोग दफ्तरों में बैठते हैं तो दोस्तों ये काफी तंग हो गए हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें इसराइल में भेजा जाए या फिर हिंदुस्तान भेजा जाए। हिंदुस्तान में भी कश्मीरों पर जो जुल्म होता है ये चाहते हैं कि ये वहां पर चले जाए, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि वो कहाँ पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें आगे तो बढ़ना होगा। अगर वो रुक जाते हैं तो दोस्तों फिर वो हमेशा के लिए रुक ही रहेंगे और वो जानते हैं कि उन्हें रुकना नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना है। इसलिए इनकी रिपोर्टिंग देखें, डर आपको सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।